अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 26 सितंबर 2022 और सोमवार का दिन है जी। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के मतलब। एक तो खबर है कि कल जो है ना ट्यूसडे को मंगल को 27 सितंबर यूएई के प्रेसिडेंट जो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान वो ओमान का विजिट कर रहे हैं। तो मस्कत में यानी ट्रैफिक आपको बताइए फिर। सो ट्रैफिक के लिए जो ना थोड़ा सा आहो। बाकी एक बड़ा सोचनाक वाक्या पेश आया, अमीरात में घर में आग लगने से कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत अता फरमाए, जल्द रिकवर करे। और बाकी इस तरह के वाक़े से बचने के लिए आप सबसे हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आग पानी बिजली जो है ना इन चीज़ों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर का पता भी होना चाहिए और थोड़ी सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं वो भी अपनाएं। और उसके बाद ओमान की खबरों में कोई खबर है, कोई बड़ी खबर नहीं है फिलहाल फिलहाल। और ओमानी रियाल जो है, रुपया जो है वो मजीद गिर रहा है। 618 से 20 जो है आज भी रेट है। और इंडियन रुपीज़ का रेट भी जो है ना वही यानी वो भी गिर रहा है, बांग्लादेशी टका भी, और फिलिपिनो पैसो जो है वो भी 3-4 रुपये का डिफरेंस आया है। सो ये करेंसी की सूरत हाल है। बाकी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला खैर फरमाए। पाकिस्तान की जीत की आप सबको मुबारक हो। वो कह लें कि थ्रिलिंग जो है ना वो ओवर थे लास्ट एक दो, इसमें सारा पांसा ही पलट गया। हमने तो 17वीं ओवर में छोड़ दिया कि आप जो है ना मैच किया, लेकिन सुबह पता चला कि भाईजान ना हो। रात को हिम्मत ही नहीं पड़ी कि दोबारा चेक कर लें रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है ना। सो क्रिकेट जो है ना वो इतना देखते नहीं है, देख लें तो फिर आपको पता है कि ऊपर के सांस ऊपर नीचे के नीचे। तो ये भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खेलते देख रहे हैं, बड़ी हिम्मत वालों का काम है। तो अपना ख्याल रखिए, जैसे मजीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करते हैं।